नमस्ते। अरे सीपी बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? कहाँ तुम्हारा घर, कहाँ मेरा घर? यहाँ का तो एड्रेस भी तुम्हें नहीं पता होगा ना? आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और मैंने उससे शादी भी कर ली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई लड़का ना ढूंढे। और हाँ, याद रहे ये बात मेरे पापा को नहीं पता चलनी चाहिए, अगर आपने उन्हें बताया तो। ओके अंकल, बाय। तुम पे लाइन मारना बंद करो और ये देखो, ऐसे थोड़ी ना रखता है कोई। खुशी अंकल, देखो बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, भगवान जी ने मुझे बहुत सुंदर बनाया, इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना? कोई गलती नहीं है ना? तो फिर आप कोई गलती मत करना। लड़का ढूंढने के लिए ना हीरो जैसा लड़का चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई लड़का ना ढूंढे। लेकिन बेटा कल तो तुम, आपको ये पता है टाइगर, हूबहू टाइगर जैसा, सो हैंडसम। बेटा इससे तो अच्छा कि तुम टाइगर ही पाल लो। नहीं ना, जैकी अंकल अलाउ नहीं करेंगे, वरना तो आप ना कोई और ढूंढो, हैंडसम सा, क्यूट सा। एक्चुअली एक लड़का नहीं, बहुत सारे लड़के, वैरायटी होनी चाहिए ना। देन आई विल चूज द वन फॉर मी। ओके चलो बाय। दिमाग ढूंढ दूंगा बेटा, ढूंढ दूंगा। खुशी अंकल। हाँ बेटा। क्या आप चाहते हैं कि बहुत जल्द आप दुखी अंकल हो जाएं? कैसी बातें कर रही है बेटा? नहीं मतलब, आपके घर के बगल में जो शीला आंटी का पार्लर है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हसीना ब्यूटी पार्लर। लेकिन तू ये सब क्यों कह रही है? मैं नहीं कह रही हूँ, अक्सर शीला आंटी कहा करती हैं। क्या? कि जब उनका पार्लर बंद हो जाता है, तब आप उनके पार्लर में जाकर देर रात को 2-4 घंटे बिताकर बाहर निकलते हैं। बेटा कैसी बातें कर रही है, पार्लर 3-4 घंटे बाद। सोचो अगर मैंने ये पूजा आंटी को बता दिया तो। बेटा तू ये सब क्यों करना चाहती है? मेरी शादी करवाई तो। तू बेटा मैं कहाँ करा रहा हूँ तेरी शादी? कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ मेरी डोली उठेगी और वहाँ पूजा आंटी आपके हाथों में तलाक के पेपर्स थमा देंगी। मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं तेरी शादी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, खुश कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ तो मतलब बात जम रही है। ओहो, बहुत खूब। अरे ये तो बताओ तुमने क्या कहा। अच्छा क्या बात, लड़के की 3-3 फैक्ट्रियां हापुड़ में। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हाँ इकलौता लड़का है, बहन कहाँ रहती? क्रेन में रहती है। अरे यार एक बार बता, जमीन पर जगह नहीं मिली उसे जो क्रेन में रहती है? अरे क्रेन नहीं, यूक्रेन। मैं समझ गया, यूक्रेन में रहती है ना। सुनो, दिखता कैसा है? हाँ लड़का दिखता कैसा है? एक मिनट, 5 मिनट बात करता हूँ तुझसे। 3-3 फैक्ट्रियां उसकी लड़के की, पता है तुझे? अकूट संपत्ति का मालिक है भाई। लड़का कैसा भी देखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, शादी तो मुझे ही करनी है ना। तू चुपचाप कर लेना बेटा। अरे कैसे कैसे कर लूं? माना कि मैं मरी जा रही हूँ शादी करने के लिए, लेकिन कैसा ये मतलब नहीं है कि किसी भी अरे गहरे से कर लूंगी। तो बेटा हम भी तेरी अरे गहरे नथु गहरे से शादी नहीं करा रहे हैं, समझ रही है तू? 3-3 फैक्ट्रियों का मालिक है। तो फिर फोटो दिखाओ ना एक बारी।
बेटा सामने आएगा तभी देख लियो। हाँ ये भी सही है। सामने से देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो फिर आप जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाओ। बेटा जल्दी जल्दी मैं ही कर रहा हूँ, तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे हो रखी है। और ये भी पूछ लियो, छोरे के वैक्सीन लग गई कोरोना की? तू लगवा ले पहले वैक्सीन, तुझे जरूरत है ज्यादा। मटर जल्दी चुपचाप। पापा उन्हें ना लड़के वालों को कहीं और बुलाओ मिलने के लिए। एक मिनट बेटा ये बता, कहीं और क्यों बुलाओ लड़के वालों को? तू अपने डाकू जोरावर मामा जो है उनसे डर रही है तू? पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने डाकू खानदान से रिश्ता तय कर लिया, सारी उम्मीदें उठ गई यार मेरी तो। जोरावर भैया जेल में हैंगे। सुनो ना, फिर ना हम चक्राल मामा के यहाँ चल लेते हैं, ठीक है? बेटा एक बात बता मुझे, इतना बड़ा घर है हमारा तो हम चक्राल मामा के घर पे क्यों जाएंगे ये बता। और मैं तो ये कह रही हूँ लाल किलो बुक कर लो। एक मामूली आदमी की बेटी का रिश्ता तय हो रहा है, बहादुर शाह जफर की पोती का नहीं। पापा मेरी बात सुनेंगे? बोल। समझो यार, दुश्मन रहते हैं हमारे इस घर में, वो मेरी शादी की पीपनी कभी नहीं बचने देंगे, बल्कि भांजी मार देंगे आगे। डू यू अंडरस्टैंड? बैठो। लेकिन ये बताऊं बेटा तुझे, अगर हम कहीं और जाएंगे ना तो भी इनको शक होगा, इतना डाउट करेंगे हमारे ऊपर। तुझे पता है इतने शक्की हैं, मेरी हर चीज पर नजर रखते हैं, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, उनसे भी देखते हैं, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ आया। सिर्फ डाउट करोगे हैं? वो तो भिन्ना जाएंगे जब हमें घर में ना पाएंगे। हाँ पाएंगे। और अगर हम इन्हें गायब कर दे तो? दिमाग फिर गया तेरा, कहाँ गायब कर देगी तू? देखा है तूने उसे, ऐसा हो रखा है वो, उसे गायब कर देगी तू। ओहो एक आइडिया है मेरे पास। आई लव यू बेटे। आई लव यू टू बेटे। लोंडा मेरा गोल्डन है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भैया, साबुन लेंगे आप? बेटे बदतमीजी रही हो, सीधा घर में घुसाए। कौन सा साबुन बेच रही है तू? भैया ये हमारा बड़ा ही आयुर्वेदिक साबुन है, 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलके बना है। एक बार आप अपने बदन पे घिस लोगे ना, आपका बदन गुलाब की तरह खिल उठेगा। बेटा तू क्यों मुरझाया हुआ है गेंदे की तरह? भैया मैं यूज नहीं करता ना इस साबुन को, इसलिए। अबे क्यों नहीं करता, बातें कर रहा है देख रहा है? गाड़ी साबुन कुछ तो नहीं करता, हमें बेच रहा है बातें कर रहा है। नहीं अंकल जी, हम तो गरीब आदमी है, इतना बढ़िया और इनामी साबुन इस्तेमाल करने की हमारी औकात कहाँ। इनामी साबुन से क्या मतलब है तेरा? मतलब इसका इस्तेमाल करने से कुछ इनाम मिलने की संभावना है क्या? हाँ भैया ये इनामी साबुन है, जो ये पूरा बॉक्स है ना, इसके अंदर किसी भी एक साबुन में चिट है, जब आप खोलेंगे तो वो एक चिट निकलेगी, उसमें हो सकता है आपका स्विट्जरलैंड का टिकट निकल जाए 3-4 दिन का। हाय राम, कौन जा रहा है स्विट्जरलैंड? मुझे भी ले चलो, समबडी टेक मी। हाँ आंटी जी आप सारे साबुन ले लीजिए, किसी ना किसी साबुन में तो स्विट्जरलैंड का टिकट निकलेगा ही। हाँ बस सारे साबुन खरीद के क्या हमें साबुन के बिजनेस में उतरना है? नहीं नहीं भैया, आंटी के काम आ जाएंगे नहाने के, और साथ में स्विट्जरलैंड घूमने का मौका मिल जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि साबुन में इनाम निकलेगा है भाई? रेंदो बाबा हमारी किस्मत की लग इतनी अच्छी नहीं है, 10 रुपए की लॉटरी तो जीती नहीं तुमने आज तक। गलती कर रहा है तू यार। अंकल जी एक सच बात बोलूं, आज मेरा दिल कह रहा है आज आपका इनाम जरूर निकलेगा, आप एक बार ले लो बस। लाला भाई दे दे, कितने के दिए? वैसे आंटी जी 10 रुपए का एक साबुन दिया है, पूरा कर्टन में आपको 120 रुपए में दे दूंगा। ये तो होलसेल में दे रहा यार। गुलजार आ रही हूं। ये सारे साबुन जो है वो काट दे, काट दे, काट दे। आलू पालक भी काट दो साथ में, खाली साबुन अच्छा नहीं लगेगा। कुंभकत साबुन की सब्जी खिलाएगा मुझे। बेटे गुल्लू मम्मी कह रही है काट तो काट, निकलना कुछ है तो नहीं? मैं भी तो वही कह रही हूँ, इतने लक्की तो नहीं लग रहे तुम मुझे। तू साबुन काटेगा या मैं तेरा गला काट दूं? काट रहा हूं ना, ला भाई। लोजी टूट गया, पर्ची भी निकल गई। अरे पकड़ ले। ये तो कमाल कर रही है यार, मतलब पहला साबुन तोड़ा और पर्ची निकली है यार, बात कर रहा तू? 3 days 4 nights for 4 Goa। देखो अंकल जी मैंने कहा था ना कि आप बहुत लकी हो, निकल गया ना इनाम। बट टिंडे लकी हैं, तू तो कह रहा था कि भाई स्विट्जरलैंड की ट्रिप लगेगी, दिस दैट, ये तो गोवा लिखा है इसमें। अब सुन, इधर आइए इधर आइए।
कैसी बातें कर रहे हैं यार? ऐसे गोवा बुरा नहीं है यार। हाँ वैसे दिल्ली से बाहर तो गए नहीं आज तक। हाँ गोवा जाने का मौका मिल रहा है तो नखरे क्यों दिखा रहा है? Why so picky and choosy? मम्मी सर देख लो आप कितने लकी हो है ना, मैं कह ही रहा था आपसे आपका निकलेगा नाम। बेटे तुम नए नहीं हो ना इन मनुष्यों के साथ कभी, इसीलिए लकी नजर आ रहा है तुम्हें ये। मैं ऐसा झांपड़ मारूंगा तेरे गाल पे, बाजा फाड़ दूंगा तेरा, बात कर रहा है। कहीं दूर चले जाऊंगा मैं। अंकल जी मैं क्या कह रहा, आप अपनी सारी डिटेल मुझे लिखवा दो, आज रात की गोवा की टिकट करा देता हूँ आपकी। अब आंटे में वाह आपकी शादी का लहंगा। अब तुम्हारी शादी में तुम्हें जय लहंगा पहनना पड़ोगो। माय गॉड मैं ये लहंगा नहीं पहन सकती हूँ, पर मुझे पूरा गोल्डन लहंगा पहनना है। आई वांट टू गो फुल गोल्ड। अरे नाना लल्ली ये तो हमारे परिवार की परंपरा हैगी हैं। एक शर्ट पर आपको भी सेम डिजाइन का लहंगा पहनना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली डिफरेंट मेजरमेंट्स। तुम्हारे कंजूस पिताजी हमारे लाने इतना महंगा लहंगा बनाएंगे। ये तो है। ये गोवा वो जाने के लिए क्या वीजा वीजा लगता है क्या? नहीं बेटे वहां तो पासपोर्ट से काम चल जाता है। अच्छा अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ये दिल्ली के अलावा भी कहीं और गए हो गए नहीं? गुल्लो बेटे घूमने फिरने के लिए टाइम चाहिए होता है, और टाइम ही तो नहीं है टेढ़े अंकल के पास। अबे तेरी ये बेटे तिजोरी में रख ले। अबे जूता दे। कौन है भाई? हैं क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं बेटा, टीटू अंकल कह रही है कि इनके पास घूमने फिरने का टाइम नहीं है। अबे टाइम के साथ साथ ना दिल भी होना चाहिए, बात कर रहा तू हैं? अरे यार ये बाहर से चीखने की आवाज आ रही है फिर से, मैं देखती रुको। अरे रुक जा हम भी आ रहे हैंगे। ये ठेरा एक नंबर है, आदमी कंजूस है, एक पाई खर्च करने में इसकी नानी मर जाया करे, बात कर रहा है। क्या हो गया पापा? तेरा चलाया हुआ तीर ना निशाने पे लग गया। ओ हेलो, आज रात की फ्लाइट से हम लोग गोवा जा रहे हैं। गो गोवा, बॉन वॉयज दीदी। हेलो काए दिल्ली वालों से कर्ज ले रखो है क्या दीदी? लो सोफिया आंटी, हम लोग तो पिकनिक मनाने गोवा जा रही हैं। ओ पिकनिक मनाने जा रहे हो? पैसे कहाँ से आए तेरे पास इतने? हमें एक्सक्यूज मी, ये पूछने वाली तो होती कौन है, कहीं से भी आए हो पैसे? अबे छोड़ लोंडे हैं, खुद तो कहीं गए ना ही आज तक, बात कर रहा है। और कोई दूसरा जावे उसे देख देख के ना जल जल के वो जल कुकड़े हो जा रहे हैं ये लोग, बात कर रहा है। अरे जल के कुकड़े तो तुम लोग हो जाते हो। Shut up, burning hen. मम्मी let it go, just enjoy. मैं ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के मुंह नहीं लगते। चल बे चिड़कुल्ले। ए चिड़कुल्ले। चूहे। चूहिया। फुकरा। फुकरी। अगराई। ओके बाय। अबे वो लोंडे यार इनसे बात करके मेरे दिमाग का बाजा मत फाड़ यार तू, चल। बाय बाय। अच्छा सुन मैं जा रहा हूँ जरा दुकान पे, तू जल्दी से नाश्ता लगा दे। अच्छा चल। सीपी काम हो गया। गोवा जा रहे हैं गोवा। अरे ये रख दे अंदर। सीपी हमारा मन कर रहा हूँ गोवा जाने को। क्या कर सकते हैं मम्मी, सब लोग इनकी तरह लकी नहीं होते ना। गोवा बहुत भयंकर ऐश इन गोवा। गोवा प्रणाम टीटू अंकल। गोवा बहुत भयंकर ऐश इन गोवा। गोवा गोवा।
पापा मम्मी हरी अप, फ्लाइट में बोर्डिंग करनी है, उसके बाद चेक इन भी करना होता है, लेट ना हो जाए कहीं। तुम क्या हमेशा के लिए जा रहे हो क्या दिल्ली छोड़ के? बे नहीं कुल्लू, गोवा जा रहे हैं, 4-5 दिन बहुत ऐश करेंगे, जलने वाले जलेंगे, क्या कर सकते हैं यार। हम क्यों जलेंगे? नहीं तुम्हें किसी दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। भाई तू गोवा जा, लंदन जा, या फिर तू झुमरी तलिया जा, भाई हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा हमारे पैसे से जा रहे हैं, अपने पैसे से जा रहेंगे? हम तो देंगे भी नहीं। अभी लोड़े हम तैयार हैं। अश्मी अश्विन भाई जल्दी होए, हम जा रहे हैं गोवा, तू ये कुछ मंगाना तो कॉल कर दी हमको भाई। सुन क्या बोल रहे, दो लाऊंगा। नमस्कार भाभी जी। ओके See you, creepy. Bye-bye. तीतों का ध्यान रखना। अबे दूंगा एक कीटू अंकल। लेट हो रहे हैं, आजा आजा। Bye, creepy. Bye, जीजा जी। अबे चल जा। Bye-bye. सुनो सुनो सुनो, अच्छा हुआ बला टली। सुन सुन, राहु काल शुरू होने वाला है, जल्दी से अंदर चल, आजा। Finally. मम्मी का लहंगा कचरे के डब्बे में। जीजे मैंने सुना है गोवा में बहुत सारी अंग्रेजी घूमती रहती है। घूमती तो है यार, एक आज से मेरी भी सेटिंग करा दो। सारी अंग्रेजी ने क्या मेरी साली हो रखी है? नहीं हो रखी तो बना लेना, मैं तो कह रहा हूँ तुम किसी अंग्रेजी का पल्लू पकड़ के झूल जाना। और वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी भाई साहब, चल। क्योंकि आपका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। एकदम सही कह रहे हैं, मतलब इस टाइम तुम्हारा लग बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों आंटी जी झूठ बोल रही हो? इस बार बिल्कुल सही कह रहा है। अरे इतना लक आज तक इस घर में कभी किसी का नहीं हुआ, मतलब साबुन काट के इनाम मिल गए, सोप ऑपेरा। सही है यार, जल्लो। यहाँ देखो पूरी उम्र निकल गई पर आज तक कम वक्त हमारी एक चोरनी निकली हमारी। मतलब ये तो मनुष्यत की हद ही हो गई, ऐसे आदमी को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं मतलब मैंने कहने का मतलब है कि ऐसे एक मिनट मुझे अब सब याद आ रही है। मम्मी जब तुम पैदा हुई थी तो क्या हुआ था? शहर में प्लेग फैल गया था भाई। नानू मम्मी जब ये नन्हे पापा पैदा हुए थे तब क्या हुआ था? सॉरी पापा फ्लो में निकल गया। ऐसे ओके बेटा, आजकल तो मेरा भी काफी कुछ फ्लो में निकला जा रहा है। क्या हुआ था मम्मी? अरे तेरी दादी बताती थी जब तेरे पापा पैदा हुए ना घर की छत गिर गई, टोटल हाउस कोलैप्स। अबे वो था जब ये हमारा लौंडा पैदा हुआ था। क्या हुआ था? अबे तू हुआ था ना तो पूरा दिल्ली में भूकंप आया था, भूकंप। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब के सब अल्ट्रा लेवल के मनुष्य हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि जब हम सब एक से एक मनहूस हैं तो ऐसी कौन सी किस्मत की लक हुई कि इतना बड़ा इनाम अचानक चौड़े में आ गया। ड्राइवर गाड़ी वापस लो। ओ हेलो, वापस क्यों? हाँ वाई सो? मम्मी मेरी सातवीं इंद्री कह रही है मुझसे कि कुछ तो गलत हो रही है। क्या हो रहा है बे? पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई दुश्मन हमें गोवा भेज के वहीं निपटा देना चाह रही है? अबे कौन सा दुश्मन निपटाना चाह रहा? क्यों हमारे कोई दुश्मन नहीं है क्या? हमारे पड़ोसियों से रिश्तों की डोर बांध ली क्या तुमने? अब वो क्यों मरवाएगा हमको यार? अरे लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनों का खून कर देते हैं, ये तो ठहरे हमारे दुश्मन, एनिमी एट द गेट। बात तो सही बोल ली। हेलो अरे सीपी, तूने अभी से जलेंगा पहन लो। अच्छा मम्मी ये बताओ
आपने इसे कूड़ेदान में फेंका था इस लहंगे को? ना तो मैं काहे फेंकूंगी ये लहंगा कूड़ेदान में। लेकिन मुझे तो ये कूड़ेदान में ही मिला है। क्या बात कर रही लल्ली? हाँ इतना सुंदर लहंगा, अच्छा पहले मेरी नजर पड़ गई, ना कोई और उठा के ले जाता बिन बात के। ये सब ना जरूर उस जीजा जी की कारस्तानी हैगी, तेरे से बदला लेने के लाने ना बक्का छू भी कर सकते है। अरे भाड़ में जाने दो उसे, आप तो बस मुझे ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हो ना? तुम लोगों को चिक की आवाज सुनाई थी? कहीं जी आवाज पुराने कमरे से तो ना आ रही है? मुझे भी ऐसी लगा। ये भगवान अब कहाँ होगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.